सो गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। तो आज हम जो गेम खेलने वाले हैं उसका नाम है जियोमेट्री रेस। प्ले स्टोर पे 4.4 रेटिंग्स है और बाकी सब कुछ बहुत सारा अच्छा है। तो गाइस सिंपली चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूँ, ये गेम बहुत ही एडिक्टिव है और इतनी जितनी एडिक्टिव है उनसे 1000 गुना गेम हार्ड है। तो गेम यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे आपको कुछ बेसिक बटन मिल जाता है, यहाँ पे बेसिकली स्टार्ट, और ये है हमने स्टार्ट कर दिया। तो गेम यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे बेसिकली आपको मिल जाता है एक स्पेसशिप जैसा कुछ दिखने वाला, ऐसा कुछ मिल जाता है। आपको उसको आगे चलाना होता है, आगे जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं उनसे बचाना होता है। और तो जैसे आपकी गेम आगे बढ़ती रहती है, जितनी भी आप आगे बढ़ते हो उतना जियोमेट्री शेप ज़्यादा हार्ड हो जाता है, ज़्यादा उसके बीच की जगह तंग होती जाती है और धीरे धीरे आप फंस जाते हो। शॉर्ट में बताए तो बिल्कुल ही एंडलेस गेम है। जियोमेट्री के शेप्स हैं, ट्राइंगल, स्क्वायर, ऐसा ही सब कुछ है। यहाँ पे राउंड नहीं है कहीं पर। आप ध्यान से गौर से देखो तो इस गेम में आपको कहीं राउंड नहीं दिखेगा, मगर फिर भी गेम बहुत अच्छी है, बहुत एडिक्टिव है। जितनी अच्छी और जितनी एडिक्टिव है उनसे कई गुना ज़्यादा गेम जो है वो हार्ड है। और इसकी हार्ड की बात मैं से फ़ोन पे नहीं दिखा सकता, मगर आप जब भी इस गेम को डाउनलोड करो तब तो आप अपने आंखों से देख सकते हो कि ये बहुत ही हार्ड गेम है। आप टकरा ही जाओगे कुछ भी कर लो। तो गाइस गेम के ग्राफिक्स की बात की जाए तो गेम के ग्राफिक्स बहुत ही बढ़िया है, एक अलग ही लेवल पे गेम के ग्राफिक्स हैं। और गेम गेम प्ले भी बहुत ही अच्छा है। ज्योमेट्री के शेप्स दिए गए हैं इसमें, तो आपको गेम प्ले एक नया ही गेम प्ले मिल देखने को मिलेगा। ऐसी कई सारी गेम्स प्ले स्टोर पर अवेलेबल है जिसमें एक स्पेसशिप चलाना होता है और बाकी चीज़ों से बच के उसको आगे बढ़ाना होता है, मगर ये गेम थोड़ी उन सब गेम्स से थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि इसमें जियोमेट्री के शेप्स भी है और ग्राफिक्स भी बहुत बढ़िया है। साउंड क्वालिटी एक अलग ही लेवल पर है और सिर्फ इसमें जियोमेट्री के शेप्स नहीं है, वो सारे हिल रहे हैं। मतलब कुछ कुछ ऐसे शेप्स है जो पूरी तरह से स्टील है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी है जो हिल रही है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हिल रही है, तो उससे निकलना बहुत ही मुश्किल होगा आपके लिए, सबके लिए। सो गाइस यहाँ पे बेसिकली आपको एक पावर मिल जाता है, यहाँ पे आपका फ्यूल जो है वो मिल जाता है। उस फ्यूल को ख़त्म होने से पहले ही आपको गेम को कंप्लीट करना रहता है। और एंडलेस, जैसे कि मैंने बताया ये एक एंडलेस गेम है जिसका कोई एंड नहीं है, इसीलिए आप इस गेम को कभी ख़त्म नहीं कर सकते। मगर सब कुछ अनलॉक कर दो तो ये गेम ख़त्म हो जाती है बेसिकली। तो गैस यहाँ पे 3 ऐसे लेवल्स होते हैं, मतलब अभी तो ये दोनों खुले नहीं है, मगर ये है। यहाँ से जाके आप अपने स्पेसशिप बाय कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए। बहुत सारे स्पेसशिप आपको मिलते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पे जाके स्पेसशिप बाय कर सकते। और यहाँ पे कुछ बेसिक सेटिंग्स मिल जाते हैं, वाइब्रेशन और ऐसे सब कुछ, साउंड है, म्यूजिक। यहाँ पे इग्नोर करने वाली बात है ये स्टेयरिंग, और ये दोनों मिल जाते हैं जिससे कि हम फोन के मूवमेंट पे भी उस रॉकेट को चला सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो अभी मैं फोन के मूवमेंट से इस रॉकेट को चला रहा हूँ। ये थोड़ा हार्ड हो जाता है फोन के मूवमेंट से, मगर अच्छा है। फोन के मूवमेंट के कारण ये थोड़ा हार्ड हो जाता है, इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि आप स्टेयरिंग ही रखें। अगर आप बहुत ही गेम के एडिक्ट हो और रोज आपको एक नई गेम चाहिए तो आप इसमें ये कर सकते हो मूवमेंट वाला। इससे क्या होता है कि आपका एडिक्शन लेवल और एक लेवल बढ़ जा रहा है और हार्ड भी हो जाती है थोड़ी गेम। इसकी सेंसिटिविटी थोड़ी ज़्यादा है ऐसा लग रहा है। ऊपर आप देख सकते हो सूरज भी है, मतलब आपको पूरी तरह से रियलिटी। सो गाइस ये पूरा सीन, अगर आप इस गेम को डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इस गेम की लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली गेम को डाउनलोड कर सकते हो। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और मुझे बताओ कि आप आगे क्या चाहते हो जिससे कि हमें पता चले कि आप भी
देख रहे हो। और क्या आप जो भी कर सकते हो इस चैनल के लिए करो। सो गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे कि आपको रोज एक नया गेम का वीडियो मिले जिसको आप डाउनलोड करके खेल सकते हो। सो गाइस, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और गेम के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे एंड ऑलवेज कीप स्माइल।